सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के बारे में। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कि आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए किसी इसका इस्तेमाल मिस कर जाए तो अगले दिन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द और स्वेलिंग में दिया जाने वाले आई ड्रॉप्स इतना यूजफुल क्यों है और ऑप्थल्मिक डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं नेपाटॉप आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 5 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP अराउंड 240 यानी कि 240 रुपए करीब इसकी MRP है। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स को इंट्रोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नाम से कंपनी है और बहुत सारे ऑप्थल्मिक प्रोडक्ट भी बनाती है। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है नेपाफेनिक्स ऑप्थल्मिक सस्पेंशन। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर नेपाफेनिक 0.1% वेट बाय वॉल्यूम इसके अंदर डाले गए हैं। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल दर्द दीवार यानी कि पेन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मोतियाबिंद की सर्जरी से जुड़ी दर्द और सूजन यानी कि स्वेलिंग के इलाज के लिए यह आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव आंखों में दर्द एंड सूजन यानी कि स्वेलिंग के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आंखों की सर्जरी के बाद होने वाले लक्षणों और सूजन को रोकने के इलाज के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है, हाउ टू वर्क्स नेपाटॉप आई ड्रॉप्स। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि नेपाफेनिक्स, वो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID है, जो आंखों में दर्द और इंफ्लेमेशन यानी कि आंखों का लाल होना और सूजन पैदा करने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, ड्रॉप डालने के तुरंत बाद लगभग 1 मिनट के लिए आंख के कोने यानी कि नाक के करीब पर दबाव डालें। आमतौर पर ये आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल 1 से 2 सप्ताह में इसका इस्तेमाल करना चाहिए यानी कि ये बोतल को खोलने के बाद एक से दो सप्ताह के बीच में इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, और डाइल्यूशन से बचने के लिए उसी आंख में अगली दवा डालने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करें। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या कोई पेशेंट जो कि एल्कोहल का कंज्यूम करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिसीज है, तो इन कंडीशन में नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करें। फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। नेपाटॉप आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।